हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहां हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। देखिए, सिंपल वर्ड में समझिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसमें आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, दो स्पीसीज या आटम या कंपाउंड स्पीसीज क्या हो सकता है? आटम हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, यही ना हो सकता है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप लिख सकते हैं टू और मोर स्पीसीज। स्पीसीज स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं? आटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर हो गया? दो या दो से ज्यादा आटम या मॉलिक्यूल या आयन होंगे जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ओ टू माइनस और एम जी टू प्लस। ऑक्सीजन, पहले हम बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एट। इसमें कितना होगा? आठ इलेक्ट्रॉन होगा, आठ प्रोटॉन होगा। लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं? ओ टू माइनस। टू माइनस का मतलब ये जो न्यूट्रल स्टेट का ऑक्सीजन है, न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीजन ऐसा दिखता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। ओ टू माइनस का मतलब न्यूट्रल स्टेट वाले ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा भरा गया है, तो ओ टू माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए, टॉपिक क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बराबर होंगे, प्रोटॉन तो हमेशा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, इसलिए प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम सिर्फ नंबर ऑफ आटम को देखते हैं। ठीक है, ओ टू माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें अगर हम एम जी की, न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है एम जी में बात करें। और जब हम एम जी टू प्लस की बात करें, टू प्लस का मतलब एम जी में से दो इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ओ टू माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, एम जी टू प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गए? ये बन गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, एटॉमिक नंबर में और मे नॉट बी सेम ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्पीसीज। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हम बात करें ओ टू माइनस, एफ माइनस, एन ए प्लस, एम जी टू प्लस का। पहले हम इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आठ होता है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। इनमें जब ये न्यूट्रल स्टेट में होंगे, यहाँ पे कर लो ओ एफ एन ए एम जी, जब ये न्यूट्रल स्टेट में होंगे जिस टाइम इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहा होगा? 8। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 9। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 11। मैग्नीशियम में 12, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। लेकिन यहाँ पे आओ, इन सब पे कुछ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लगा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन पे देखो, टू माइनस, दो माइनस चार्ज लगा है, इसका मतलब इस वाले स्टेट में जो न्यूट्रल स्टेट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
यहाँ पे कितने थे, 8, और 2 माइनस लगाया ऊपर, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। या फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, एक माइनस चार्ज लगा है तो 9 + 1 10। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो 11 में से एक घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। मैग्नीशियम में होना 12 चाहिए था, लेकिन 2+ का साइन है, इसका मत 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। देखो ये O2-F-Na+Mg2+, ये सब क्या कहे जाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में बराबर है। अब एक बात बताओ, जब ये स्पीसीज, जैसे हम आटम का रेडियस पढ़े, कोवेलेंट रेडियस पढ़े, आयनिक रेडियस पढ़े, उसी प्रकार इनका भी तो कुछ रेडियस होगा, भले ही इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए या कम आ गए, लेकिन फिर भी इनमें इनका भी तो कुछ रेडियस होगा। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके रेडियस के बारे में। ठीक है, रेडियस या साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। अब इनके हम रेडियस या साइज की बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं किसका, रेडियस का। ठीक है, पहले किसका, रेडियस, एक फॉर्मूला नोट कर लो, रेडियस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर की। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आइसोइलेक्ट्रॉनिक का, कहीं से भी आ जाए, आपसे अगर पूछे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा किसका, सबसे छोटा किसका, आप फटाक से आंसर दे सकते हो। एक क्वेश्चन कर लो, फिर ऐसा होता क्यों है वो भी समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है N3-O2-F-Na+Mg2+Al3+। ठीक है, इतने हैं, इनको अरेंज करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई, रेडाई से मतलब हमारा किसका है, साइज से। तो पहले क्या चेक करो कि ये आयनिक में भी कौन से आयनिक हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। ठीक है, पहले इस बात को चेक करो, ये फॉर्मूला किस सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन दिया रहा है तो पहले चेक करो कि वो स्पीसीज जो दिए हैं, वो जिनको अरेंज करना है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भी या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करो, जो पहले सबका साइन को भूल जाओ, पहले उनका न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। क्या क्या दिया है आपको, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है। ठीक है, पहले क्या करो, आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आप उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सॉरी ये नाइट्रोजन था, सोडियम नहीं था, गलती से हो गया, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। अब फिर देखो कि इन इन सब पे चार्ज कौन सा लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन उतना निकाल दो, अगर इन सब पे निगेटिव चार्ज लगा है तो जितना इलेक्ट्रॉन पहले से है उतना इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इतने ही सब में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखो N3- है, इसका मत 3- का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और दिया गया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, O2- के फॉर्म में दिया है, तो ऑक्सीजन में पहले कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन था, अब फिर उसके बाद इसमें 2- है, 2- का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दिया गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। F- के फॉर्म में दिया है, F में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 थे, लेकिन एक माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
सोडियम Na प्लस के फॉर्म में दिया है। सोडियम में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे, लेकिन एक प्लस का साइन है, प्लस का साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। निगेटिव का मतलब गंदी बात, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। कितना जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है। तो कितने इसमें कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 थे, एक दे दिया किसी को, तो कितने बचे? 10 बचे। मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, पहले कितने थे? 12 थे, दो निकाल दो, 10 बचे। Al3+ के फॉर्म में है, पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन तीन निकाल दिया, तो कितने बचे? 10 बचे। देखिए कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आप इन इस पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा उसका रेडियस सबसे बड़ा। इनवर्सली रिलेशन यही होता है ना, अगर ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, ऐसा ही होता है ना। तो इन सब में सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है? हमको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े में। एटॉमिक नंबर सबसे छोटा किसका है? नाइट्रोजन का, 7 है। तो क्या होगा? N3- का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर छोटा है तो रेडियस सबसे बड़ा, और सबसे छोटा साइज किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। किसका साइज ज्यादा है? Al3+ का। Al3+ का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, 13। ये बड़ा तो ये छोटा। हमको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा किसका होगा? इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे आप लिखेंगे? Al3+, फिर Mg2+, फिर Na+, देन F-, देन O2-, देन N3-, ठीक है, सिंपल है, यही फॉर्म होगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है फिर भी साइज कम हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कम है फिर भी साइज ज़्यादा हो गया? कौन से केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। इसको समझो कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। दो तीन का देखेंगे आप, उससे आपको सबका क्लियर हो जाएगा कि वैसा होता क्यों है, ठीक है। तो पहले हम किसका बात करेंगे? Al3+ की, ठीक है। पहले अगर हम बात करें Al की, Al का एटॉमिक नंबर 13, ये उसका न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में तीसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें Al3+ की, तो Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2.8। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ आने में हमने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसी दूसरे को। यहाँ से यहाँ Al से Al3+ आने में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, इसमें से निकाला। एक बात बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम फोर्स बोलते हैं वो यहाँ से इन या न्यूक्लियस और इन 3 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या है, देखो न्यूक्लियस और यहाँ पे वैलेंस सेल कौन बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस सेल बन गए। यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ 3 ही थे, लेकिन 3 तो दे दिए, तो ये सेल ही खत्म हो गया 3 वाला, फिर 8 वाला सेल बन गया वैलेंस सेल, ठीक है। तो क्या होगा, अब न्यूक्लियस इन 8 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, किससे खींचेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ से और यहाँ में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इससे न्यूक्लियस से और ये 3 इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था उनके बीच डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इस न्यूक्लियस से और इन 8 इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है कम है। और पहला रीज़न ये है कि डिस्टेंस कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर कितने थे? 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन थे, और यहाँ पे क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पावरफुल होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास और ज़्यादा तेज से खींच लेगा।
पहला रीजन क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि साइज कम हो जाएगा। साइज क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सेल ही कम हो जाएगा। जब इसमें कितने थे, तीन सेल थे, तीन से जब दो सेल हो गए तो साइज कम हो गया। साइज कम हो गया तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे। और प्रोटॉन क्या होता है, पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या करेगा, और पार खींच लेगा। ठीक है, इसीलिए 13 प्रोटॉन होने की वजह से और सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से Al3+ का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, सबसे छोटा कर देगा साइज को। ठीक है, अगर हम बात करें Mg2+ की, ठीक है, Mg2+ के केस में क्या होगा, पहले हम चलो ठीक है Mg इधर बना लेते हैं। ये Mg है, पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में 2, 8, 2। ठीक है, Mg2+ में कितना है, 1, 2। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस और इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर ये यहाँ से हम यहाँ आ गए Mg2+ के फॉर्म में, तो पहले क्या हुआ, एक पूरा का पूरा सेल ही गायब हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट करके यहाँ डोनेट किया तब यहाँ पे पहुँचे Mg2+ के फॉर्म में। तो पहले क्या हुआ, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लग रहा था, अब 8 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगेगा। देखिए, अगर इन सब टॉपिक पढ़ाने से पहले ही न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है बता दिया था। अगर वो टॉपिक आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच, तो क्या होगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा रीजन, इसमें क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। तो क्या करेगा, प्रोटॉन क्या होता है, पावरफुल होता है। तो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो पास आ रहे थे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, और प्रोटॉन पावरफुल होने की वजह से और पास खींच लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी साइज और छोटा कर देगा, इसके मुकाबले इसका साइज और ज़्यादा छोटा कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या थे, 13 प्रोटॉन थे एल्युमिनियम वाले केस में, Al3+ वाले केस में। इसमें क्या है, 12 प्रोटॉन है, इसलिए सबसे ज्यादा छोटा कौन किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें प्रोटॉन से 13 प्रोटॉन है, इसमें कौन है, सिर्फ 12 प्रोटॉन है। Al में 1 प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खींचेगा, इसमें 12 प्रोटॉन है तो वो थोड़ा सा कम खींचेगा। मान लो Al इतना खींचा तो Mg इतना खींचेगा, थोड़ा सा कम। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करें Na+ की, Na+ की, तो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 2.8। Na की बात करें तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, 2.8.1। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में पहला डिफरेंस क्या हुआ, पूरा का पूरा शेल ही गायब हो गया, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तब यहाँ पे पहुँचे। और दूसरा क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स बढ़ गया। यहाँ पे एक न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बीच लग रहा था। और यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस और 8 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, तो क्या होगा, और डिस्टेंस भी कम हो गया तो क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो क्या करेगा, प्रोटॉन पावरफुल है तो वो और खींच लेगा। लेकिन इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है, इसीलिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होगा वो सबसे ज़्यादा पास खींचेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे छोटा साइज ये करेगा, फिर इसका साइज आएगा, फिर Na+ का साइज आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ छोटों वाले की, जिस जैसे हम N3- की, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा, सबसे छोटा था, एटॉमिक नंबर कितना था, 7 था, इसका साइज सबसे बड़ा क्यों हो गया, इसका रीजन देखते हैं। ठीक है, पहले देखो N का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहला शेल ये दूसरा शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यही था। पहले इसमें क्या था, 7 प्रोटॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन थे। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो
ये अपने न्यूट्रल स्टेट में था और ओरिजिनल फॉर्म में। यहाँ पे क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन बराबर थे। नाइट्रोजन हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन का साइज वैसे ही छोटा होता है। यहाँ से यहाँ आने में क्या किया आपने, +3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ आने में आपने 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ा, तब ना N3- बना। इसके अंदर आपने तीन, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें दिया, तब ना 8 इलेक्ट्रॉन हुए। एक बात बताओ, नाइट्रोजन का साइज वैसे ही छोटा होता है और उसके फिर भी अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन और दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये वाला देखो, और इसको भी देख लो, इसमें क्या था पहले, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो थे, आपने क्या किया, अंदर 2 हैं बाहर 5 थे, आपने 3 और दे दिया, तो क्या कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन तो अभी उतने ही है, इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या होगा, जब साइज पहले से ही छोटा है, जगह नहीं है और आप 3 और लोगों को बैठा दे रहे हो, तो क्या होगा, सब पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, तो क्या करेंगे, रिपल कर एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। क्या करेंगे, दूर भागने लगेंगे। दूर क्यों भागेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी साथ ही है, बढ़ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अरे यार सिंपल एग्जाम्पल ले लो, एक रूम में पहले से ही 5 लोग मुश्किल से बैठे थे क्योंकि रूम छोटा था, आप 3 और लोगों को बैठाओगे तो क्या होगा, जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का देंगे ना। अरे यार बॉम्बे मेट्रो में क्या होता है, जो लोकल चलता है उसमें जगह तो होता नहीं, लेकिन सब भेड़ बकरी की तरह घुसे रहते हैं, एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं जगह बनाने के लिए, वैसा ही है। पहले से ही नाइट्रोजन का साइज छोटा था, अपने N3- बना दिया, 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो साइज साइज छोटा था, 3 और नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिए, तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन तो साथ ही है, प्रोटॉन बढ़ता, प्रोटॉन तो कभी नहीं बढ़ सकता क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन रहेगा हमेशा, इसीलिए क्या होता है, इसका इसमें 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच 3 का डिफरेंस है, इसीलिए इसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, इसका 3 का डिफरेंस है इसलिए इसका साइज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम बात करें O2- और O की एटॉमिक नंबर 8, पहला शेल दूसरा सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पहला सेल दूसरा सेल 2,8। यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, द इसमें क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के बराबर। यहाँ क्या है, 8 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 10 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 2 का। तो क्या होगा, इसमें 6 लोग पहले से ही मुश्किल से बैठे थे, अपने 2 और ऐड कर दिया, 8 कर दिया आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे सब पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दूर कौन भगाएगा, ये भगाएगा N3-, क्यों, क्योंकि इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच 3 नंबर का डिफरेंस है, और उसके बाद कौन भगाएगा, ये भगाएगा, क्यों, क्योंकि इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच 2 पॉइंट का डिफरेंस है, इसीलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। साइज पहले से ही छोटा था नाइट्रोजन का, आपने 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, साइज सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये ट्रेंड आना चाहिए। देखिए आपको ये वाला स्टोरी जो कॉन्सेप्ट था समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आपको अगर बस क्वेश्चन देगा, अरेंज का ऑर्डर ऑर्डर पूछेगा, आप इस फॉर्मूले को देखो अरेंज कर दो, ये अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर समझ में आया होगा तो आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करिए, आपको दिया है Ca2+Ke+Cl-S2-, आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई में अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई, ठीक है। पहले चेक करो क्या कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इनका न्यूट्रल स्टेट लिखो, कैल्शियम लिखो, पोटेशियम लिखो, क्लोरीन लिखो, सल्फर लिखो। एटॉमिक नंबर कितना, 18। सॉरी, कैल्शियम का 20 होता है ना, 20। पोटेशियम का 19, एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का 17, सल्फर का 16। एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखो जितना एटॉमिक नंबर होगा, न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखो कि यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले क्या हुआ है, Ca2+ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो Ca2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 बचे। के से K+ हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 18 बचे। Cl से Cl- हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। F से H2- हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या हो गया, H2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में लगाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, छोटे से बड़े फॉर्म में लगाना है। ये भी इंक्रीजिंग का ही था। तो क्या करोगे, सबसे छोटा किसका होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, किसके लिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो सबसे छोटा किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा किसका है, कैल्शियम का। क्या आ जाएगा, Ca2+, देन K+, देन Cl-, और सबसे बड़ा किसका होगा, H2- का, छोटे से बड़े की तरफ। देखो क्लियर है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो उसमें लगा था। अब हम दो का देखते हैं, ठीक है। एक Ca2+ का और एक H2- का, कि इसका क्यों सबसे छोटा हुआ, इसका क्यों सबसे बड़ा हुआ। पहले बात करें Ca2+ का, तो पहले बात करें Ca का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 8 8 2, यही है, 2 8 10 18 2 20। कैल्शियम में कितने सेल थे, 4 सेल थे। Ca2+ की बात करें तो ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन बचे Ca2+ में। Ca में 20 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ से यहाँ आने में पहला डिफरेंस क्या हुआ, पूरा का पूरा आउटर मोस्ट सेल ही गायब हो गया। सेल गायब हुआ तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो फोर्स न्यूक्लियस और इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस और 8 इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा सेल ही गायब हो गया। अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन गया, ये वाला यहाँ के केस में। तो यहाँ और दूसरा क्या था, यहाँ से यहाँ में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा था और यहाँ से यहाँ में डिफरेंस थोड़ा कम है, तो क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और दूसरा रीज़न, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन थे और यहाँ पे 20 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, प्रोटॉन पावरफुल है तो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से पहले से ही जो पास आ रहे थे, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से और पास खींच लेगा। तो क्या होगा, इसका साइज सबसे छोटा कर देगा इन सब में। अगर हम इसमें, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अगर हम K+ की बात करें तो K+ में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसमें 19 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा। अगर हम बात करें H2- की, पहले S का देखो, एटॉमिक नंबर 16, 2.8.6, ठीक है। एस का साइज पहले से ही छोटा था, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन न्यूट्रल स्टेट में थे, ठीक है। H2- में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, 2 8, तीसरा सेल 8। एक बात बताओ, जिसमें जिसका साइज पहले से ही छोटा था, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया,
प्रोटॉन तो अभी भी 16 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट होगा। रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। ठीक है, जब दूर भागने लगेंगे, अरे यार, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा दूर जाके रुकेंगे तो जरूर ना। अरे यार, जब मेट्रो में कम जगह थी तो एक दूसरे को धक्का देकर जब जगह बना लिए तो रुकना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि कहीं तो जाना है। वैसे ही इनको अगर न्यूक्लियस के साथ रहना है तो जब रिपल्सन होगा, लेकिन कहीं तो जाके दूर जाके रुकेंगे। ठीक है, इसीलिए वहां जाके रुकेंगे। तो रुकने के बाद क्या करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा उसका साइज सबसे ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए।